चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चेला लोग। हम लोग आज फिर MBBI का धमाल करने वाले हैं, फोर एग्जाम 2023 समझ गए हैं, मतलब 2023 के लिए महा 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 MBBI। आपका क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करने वाले। क्वेश्चन का नाम है फलन मातो, क्या नाम है बोलिए, पतले लेंस से अपवर्तन के लिए सिद्ध करना, यानी पतले लेंस से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करना, इसे हम लेंस निर्माण सूत्र भी कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। क्लियर है, यानी बात तो फार्मूला बोल देगा कि आप लेंस में साबित करें, प्रूव करें, 1/F = μ-1 × 1/R1 − 1/R2, ये आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है। क्लियर, लेंस निर्माण सूत्र है, लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर है। चलिए अब इसको साबित करना, दम बढ़िया से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भरदम इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो देखो जनाब, इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा स्पीकर डाउन है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे आराम आराम से बोलना पड़ता है, ठीक, रद्द बद करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, स्पीकर फट जाएगा, एकदम नहीं बाबी आवाज निकलेगी। चलिए ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा जनाब, देखो जनाब, सबसे पहले आपके पास हम एक उत्तल लेंस लिए हैं जिसका अपवर्तनांक हम μ2 माने, क्या माने हैं कि पतला लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक μ1 है। अब मान लो चिला, अगर लेंस है तो लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जिस माध्यम में जहां पर रखा हुआ है इसके चारों तरफ वही माध्यम होगा जिसमें रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि जिसमें रखा हुआ है उसका माध्यम, उस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, तो आपके पास चला लेंस के चारों तरफ μ1 होगा, साइड साइड में मतलब लेंस के बाहर है कि नहीं, इसलिए μ1 हम लोग दो तरफ दर्शाए, बाकी तरफ तो दर्शाना बनेगा नहीं, 2D फिगर है, तेरे जरा μ1 और μ1 लिए। क्लियर, अब बात करेंगे भाई इसके मुख अक्ष, आपका मुख अक्ष है, प्रधान अक्ष जो भी कहेंगे, इस पर कोई वस्तु बिंदु O पर रखी जाती है, तो जिला लेंस आपके पास है जो दो गोलीय सतह से मिलकर बनी है, यानी कहने का मतलब दोनों सतहों से लेंस प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, हम गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ चुके हैं। जिला जो मान लो अगर पहली सतह पर प्रकाश आपतित होगी, अगर मान लो दूसरी सतह भी अगर नहीं रहती तो एक बार विचलन होता, मतलब एक बार मुड़ होता, एक बार अपवर्तन होता, तब यहाँ पर किरण जाती, लगरी नहीं रहती तो अगर तो हमारे प्रकाश यहाँ से जो भी अपवर्तन हो सीधे अपना चली जाती, मतलब इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता, क्योंकि ये किरण हम प्रकाश से केंद्र से देंगे जो सीधे चले जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों मिल जाते, यहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश पर बन जाता। क्लियर, परंतु चला यहाँ पर लेंस में एक गोलीय सतह और है, तो कहने में चला जब पहला गोलीय सतह से अपवर्तन होकर जब दूसरे गोलीय सतह पर जाएगी तो यहाँ से पुनः एक बार अपवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ शीशा से हवा में जाएगा, यहाँ पर भी माध्यम चेंज हो रहा है, तो हवा से शीशा में गया, अब इस शीशा से हवा में प्रकाश जाएगी, प्रकाश किरण जाएगी, तो कहने में चला यहाँ पर अपवर्तन होगा, इसलिए प्रकाश सीधे इधर ना जाकर इधर मुड़ेंगे, पुनः अपवर्तन होगा, पुनः मुड़ेगा, पुनः विचलन होगा, तो चला यहाँ से दूसरा सतह से अपवर्तन के बाद जो भाई सीधे प्रकाश केंद्र इधर से जाएंगे, तो प्रकाश केंद्र से दूसरी किरण जाएंगे, तो खाली मतलब दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो भाई आपको यहाँ पर इमेज बनेगा। क्लियर, यानी कहने का मतलब हुआ कि लेंस के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बना बिंदु आई पर बनेगा। क्लियर है कि नहीं चेला, अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहला सतह है दूसरा सतह है, तो पहला सतह के लिए रियल में पहला सतह का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, पहली सतह के द्वारा वस्तु ओ का इमेज आई डैश पर बनता, लेकिन भाई दूसरी सतह क्या क्या कि जो किरण आपको आई डैश की ओर जा रही थी उसको मुड़कर आई पर ले लाए, आने खाने वाला दूसरी सतह क्या क्या है कि भाई जो पहला सतह का जहाँ प्रतिबिंब बनने वाला था उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर ला दिया आई पर, आने कहने का मतलब कि दूसरी सतह के लिए जो आई डैश है इसके लिए एक तरह से आभासी वस्तु की तरह काम करेंगे, क्योंकि इसी का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, तो दूसरी सतह के लिए एक तरह से वस्तु हो गया, क्या हो गया बोलिए, जो पहली सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता वो दूसरी सतह के लिए काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य करेंगे, मतलब उसकी जगह व्यवहार करेंगे। क्यों अब चला, अब मान लेते हैं पहली सतह यहाँ से लेंस के प्रकाश से केंद्र पिछला
यहाँ से जहाँ पर वस्तु रखी हुई है इसको यू ली है, जहाँ पर आपके पास पहली सतह के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन था, अगर दूसरा सतह नहीं रहती तो आई डैश ने इसके बीच की दूरी को हम भी डैश माने हैं। आपको शायद नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पर हमने भी डैश दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा यह का दूरी जो है भी डैश है। क्या बाबू ये भी डैश है जो यहाँ से लेके यहाँ तो हो सकता झप गया चला जैसे दिखाई दे रहा, बढ़िया बात है ये भी डैश है, क्लियर। अब हम बात करेंगे चला, तो हमारे पास पहला सतह दो गोलीय सतह है, तो गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूला का प्रयोग करें, क्लियर। पहली सतह से अपवर्तन के लिए फार्मूला लगाना है, दूसरी सतह से अपवर्तन के लिए फार्मूला लगाना है, दोनों सतह से अपवर्तन हो जाएगा, दोनों सतह से मिलकर लेंस बनता है, दोनों सतह से अपवर्तन को मिला देंगे तो लेंस से अपवर्तन निकल जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे चला, पहला सतह ये क्या लिए बोली। अब देखो पहला पहली सतह के लिए वस्तु हो गई है ये प्रतिबिंब होगा, दूसरी सतह के लिए काल्पनिक वस्तु वाली वस्तु होगा ये प्रतिबिंब होगा, क्लियर है। अब लिखेंगे यहाँ पर सरलता होगी प्रूव करेंगे। अब बात करें जरा पहले सतह ये नाम दे लिए आपकी की जो भी मानना है, पहले सतह ए से अपवर्तन, क्या बाबू पहले सतह ए से अपवर्तन के लिए, क्लियर ध्यान दीजिए बढ़िया से नॉर्मल ले जा रहे हैं। पहला दो जिला गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला होता है μ2 μ1 u μ2 μ1 r, हमारा ये गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला होता है, क्लियर। μ2 का मतलब हो चला दूसरा माध्यम जिसमें मतलब दूसरा जिसमें मतलब प्रकाश जिसमें दोबारा जाता हो, पहला माध्यम से जिसमें प्रकाश जाती हो दूसरे माध्यम में, तो नहीं जिसमें प्रकाश अपवर्तन होके जाएगा वो आपका दूसरा माध्यम कहेगा, जिससे प्रकाश चलेगा उस पहला माध्यम। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है प्रतिबिंब की दूरी है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है वस्तु की दूरी है, दोनों को घटा कर वक्रता त्रिज्या, क्लियर। अभी पहला सतह भी आ जाओ, ये हमारा पहला सतह है जरा, तो प्रकाश इधर से आया है इसमें गया μ2 में गया है, तो पहला सतह में आपका दूसरा माध्यम μ2 हो गया, μ2 के μ2 रहेगा, क्लियर है। μ2 upon v मतलब पहला सतह के लिए कौन v होगा, प्रतिबिंब की दूरी कौन है v' कौन है जल्दी बोलिए v' माइनस μ1, तो μ1 है ये पहला माध्यम अपॉन u, यहाँ पर वस्तु दूरी u है ये, क्लियर है, बराबर μ2 - μ1, क्या होगा μ2 - μ1 बाय r, r में वक्रता त्रिज्या दो चला, इसमें दो वक्रता त्रिज्या है, पहला को r1 माने दूसरा को r2 माने बटा में r1 होगा, क्लियर। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट कर दे, कोई समस्या नहीं चला, आपको बस दो इक्वेशन लिखना है और जुड़ना है। ये पहला इक्वेशन आपका आगे ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन कैसे हुआ है कि पहला सतह के लिए μ1 पहला माध्यम हो गया, μ2 दूसरा माध्यम, तो μ2 / v, तो μ2 और दूसरा माध्यम μ2 है ही है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, माइनस μ1 मतलब पहला माध्यम बटा u हो गया, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे सतह v के लिए क्या काम करेंगे बाबू, दूसरे सदाराम नाम से करें थोड़ा सा वायु प्रॉब्लम है बी से अपवर्तन के लिए, क्लियर, आराम से हम लोग करना पड़ा चला अपवर्तन के लिए, हम जान ही रहे अभी भाई सभी के लिए दिक्कत है, से सभी आवाज में इतना प्रॉब्लम है कुछ करना नहीं, वास्तविक बात बताते हैं बोलते हैं तो दर्द होता है, रियलिटी बात बता रहे हैं मतलब घोटने में बंद समय है क्या घुटते हैं हिंदी में तो घुटते होते हैं, कुछ नहीं मिलता है उसको भी नहीं बढ़िया जाने दे रहा, कितना दिक्कत की बात है। अब जो ना देखिए दूसरी सतह बी के लिए, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है भाई, तो पहला माध्यम ले जा, देखो इधर से इधर गई, आप चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फिगर वगैरह का, फिगर में नहीं, यहाँ से इसमें गई थी दूसरा माध्यम, पहला माध्यम बन जाएगा इसके लिए, जकरा सक्रम गए तो जकरा से जकरम जाएगा दूसरा माध्यम, और जकरा से चलेगा पहला माध्यम, यहाँ दूसरा माध्यम μ1 है, μ2 यहाँ पर हो जाएगा μ1, वी मतलब प्रतिबिंब, दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब वी होगा आई, आई के लिए वी है, माइनस μ1, μ1 मतलब पहला माध्यम यहाँ पर μ2 है अपॉन v' आपका वस्तु दूर हो जाएगा दूसरा सतह के लिए, बराबर ही दोनों का अंतर करो μ1 - μ2 यही r2 हो, क्लियर है हमारा इक्वेशन के लिए। देखिए जी ना मैंने ही तो इक्वेशन लिखना आपका मेन काम है, मेन आपको दिमाग ही आवश्यक, बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सोल्यूशन मतलब कैलकुलेशन करना है। देखिए दूसरा माध्यम के लिए भी देखिएगा कि भाई दूसरा माध्यम का ही अपवर्तनांक है, पहला माध्यम का अपना क्या है, एकरा सेकंड जा रहा थी दूसरा माध्यम बन जाएगा, पहला माध्यम बनेगा, अभी प्रतिबिंब क्या है जो पहला था वो आपका वस्तु दूर होगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो चलो, बस कुछ नहीं करना था,
समीकरण एक तथा दो को ऐड करने पर या जोड़ने पर क्या लिखेंगे बाबू? जोड़ने पर, बढ़िया से जोड़िए, कुछ करना नहीं चला। चलो तो जोड़ने नियम है कि बराबर के लेफ्ट साइड आपस में लिखता और राइट राइट साइड लिखता जोड़िए। तो मुझे बोला क्या है, बी टू बाई वी डैश माइनस वी वन बाई यू बराबर, इसको जो इधर हुआ एक साइड वी वन बाई वी माइनस वी टू बाई वी डैश बराबर, इसको इसको दोनों जोड़िए म्यू टू माइनस वी वन बाई आर वन प्लस क्लब हो जाएगा म्यू वन माइनस वी टू बाई आर टू है। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम? तो जो ना म्यू वन ये दोनों कट जाएगा, म्यू टू बाई वी डैश म्यू टू बाई प्लस में कट जाएगा, म्यू वन बाई वी हम यहाँ पहले इसको लिखते हैं म्यू वन बाई वी माइनस है, इसको पहले म्यू वन बाई वी कुछ नहीं कहने भी है। दो चला मी टू माइनस मी वन बाई आर, यहाँ पर है मी वन माइनस मी टू, अगर यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं मी टू माइनस मी वन हो जाएगा, माइनस माइनस में कॉमन लेते हैं तो दोनों सेम होगा तो कॉमन आ जाएगा। क्लियर, आइए दो क्या करेंगे मी टू माइनस मी वन बाई आर वन, यहाँ माइनस ले रहे थे ई हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा माइनस, यानी मी वन माइनस मी टू हम होगा हो जाएगा मी टू माइनस मी वन, क्या हो जाएगा बोलिए मी टू माइनस मी वन बाय आर टू। क्लियर, ध्यान देने वाले अब तो होगा मी वन अब कॉमन लो दोनों में, मी वन आपका कॉमन आ जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाई यू बराबर आपको बच जाएगा। अब तो दोनों में हम कॉमन ले दोनों सेम हो गया कि नहीं बोलिए, तो म्यू टू माइनस वी वन कॉमन आ जाएगा, चला यहाँ पर वन बाय आर वन बच जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। क्लियर, अब ऐसा करते हैं चला कि मी वन को यहाँ भाग में भेज देते हैं, यहाँ पर चला रहने दो वन बाय वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, दोनों में कई बार कर दो म्यू वन बाई म्यू टू, सुन लो तो भागम ने दोनों दे दिए, इसमें बटन होगा नहीं दोनों के कर कर दें कोई दिक्कत नहीं होते। चलो एक ही बार लिख देते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन, यहाँ पर आ जाए भागम में बाकी जो इससे वैसे रहेगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई, इसको अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, अब जगह हो जाएगा, चलिए रहो जगह हो जाएगा। अब देखो जरा वन बाय वी माइनस वन बाई यू को हम वन बाई एफ कहते लगा सकते हैं डायगलेंस फार्मूला, आप जानते हो दसवा से वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन अपॉन एफ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बढ़िया बात है, तो हम आगे बढ़े थे चाहे तो इसका इतना स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लीजिए जल्दी स्क्रीन शॉट चाहे तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे है कि नहीं। अब हम बात करते चला ये हमारे पास प्रूफ हो तो तुरंत चलाएगा, चलिए अब यहाँ पर चलाते हैं, सुन लो कहीं जगह उधर नहीं है वहाँ से, आप फिगर आपके पास है फिगर आपको रहेगा अभी रहने देते हैं जब कुछ काम है नहीं। आज फिर हम अब हम बात करेंगे जो यहाँ से वन बाई वी माइनस वन बाई यू को वन अपॉन एफ कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस फार्मूला से दसमा का है कि नहीं। अभी दोनों अलग अलग भाग दे सकते हैं वी टू बाई वी वन माइनस वी वन बाई वी वन का ये अपना जितना इसको सॉल्व कर सकते हैं वन बाई आर वन माइनस वन बाई, अब दो चला इधर रुक कट जाएगा मतलब यहाँ पर वन बच जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका वन बाई एफ बराबर म्यू टू बटा मी वन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, एक तरह हमारा यही आ गया आपका आंसर, कोई यहाँ गड़बड़ नहीं। क्लियर, इस सब जगह आपका फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर है चला, ये आपको सब जगह काम करता है। क्लियर है कि नहीं? परंतु चला मोटा मोटी हम लोग मान कर चलते हैं यहाँ पर क्या चला वन बाई एफ इक्वल टू जहाँ एफ लेंस की फोकस जो निकल गया है मी टू बाई मी वन लेंस का अपवर्तनांक बटा जिस लेंस जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है मी वन माइनस वन अपॉन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, आर वन आर टू है दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या है। लेकिन जनरली क्या होता है चला कि आपका लेंस जो हवा में होता है कहीं पर भी घर में भी अगर लेंस हवा में है, अगर मान लो हम चश्मा भी लेंस लगाए हवा में है पैकेट में भी रखा होता है हवा में रखा हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि जनरली आपका लेंस हवा में होते हैं इसलिए स्पेशल लेकर चलते हैं हवा के लिए, अगर नहीं कुछ कहा जाए तो हमें हम लोग मान कर चलते हैं कि लेंस हवा में है, अगर नहीं कुछ बोला जाता है, अगर स्पेशल बोल दिया जाए कि लेंस को पानी में डुबाया जाता है या किसी अदर माध्यम में तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, ये हर जगह काम करेगा, हवा भी काम करेगा, यहाँ पर हवा का प्रमाण रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मोटा मोटी अगर मान लें कि अगर लेंस हवा में है तो आपका म्यू वन जो पहला माध्यम का अपवर्तनांक है वो आपका हवा हवा मतलब निर्वात निर्वात हवा के दोनों का अपवर्तनांक हम एक मानते हैं। क्लियर, वही ले रहे यदि लेंस हवा में कहाँ हो
यदि लेंस हवा में हो, कहाँ हो, हवा में हो, तथा लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक म्यू, क्या हो ये म्यू हो, तो जरा हवा में म्यू वन का मान वन हो जाएगा, ध्यान देना, और म्यू टू का मान म्यू मान ले लिए, तो क्या दो गलत हो ना, म्यू वन म्यू टू मान लिए, अब जैसे हवा लेंगे देखा म्यू वन हो जाएगा तो म्यू टू अकेले बच जाएगा, इसलिए म्यू टू दो को एक अकेले लिखे बढ़िया लगेगा, नहीं दो रहता तो नहीं वन टू लगाते हैं, इसलिए लेंस का अलग अपवर्तनांक हम म्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं म्यू, इसीलिए आपके पास हो जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पर म्यू हो जाएगा, बोलिए ए बटा में वन तो बटा में वन एच प्लस म्यू वन के मतलब बटा वन, तो वन बटा में उसको फायदा है नहीं, तो म्यू माइनस वन हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। चलिए आइए कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहलाता है, इट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहेगा बाबू, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र या पथ लेंस फार्मूला, ठीक है। चलिए तो यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीन पर ले लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं तक आपको करना होगा, चलो ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स भी आएगा, अगर पाँच नंबर वाले एक चांस है, बिल्कुल चांस है, चलो आपका इधर थे क्वेश्चन के रूप में हम दिए, आराम से कर लीजिएगा, एक दो बार कीजिएगा घर में आराम से बैठ के, इसको बार बार हम लोग आपको रिविजन कर देना, करना है फिर दो चार दिन बाद कीजिएगा, फिर दो चार दिन बाद बार बार पाँच नंबर ये कुछ आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी कंट्रोल हो पाएगा, तो दिक्कत होगी आपको कोई भी डेरिवेशन आएगा उसमें थोड़ा सा आपको, जब तक चार पांच बार नहीं करिएगा तब तक होनहार नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पढ़ाने देते चला, थोड़ा सा समझ आया स्पीकर में प्रॉब्लम है, आराम आराम से पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा एक दो मिनट टाइम लग गया, चलिए ऑल द बेस्ट बाबू, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए भाई।